like to brief about them? जिस वक्त ये तकरीर तैयार, अस्सलाम वालेकुम जनाब ख्वातीन हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, माई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो इंडेटेड टू सी खालिद रहमान साहब, आसिम साहब उनकी वाइफ के साथ, मुंसिफ रजा साहब एंड ऑफकोर्स या चेयरमैन साहब हमारे शाह रिजवी साहब एंड द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, करंट एम्प्लॉज एंड रिटायर्ड एम्प्लॉज. दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट we get where we mingle with our old colleagues, as you know, I mean, as old as the ones who chuke 1995 mein retire hue, 90 mein actually wo Masroor Ahmed sahab, Masroor Ahmed sahab last takreeb mein aaye the 2019 mein, aur wo pehli dafa kisi takreeb mein aaye the PPL chhodne ke baad 19 saal ke baad, aur last year unka intiqal ho gaya unfortunately, और अल्लाह ताला उनको मग़फ़रत दे. तो मैं ये जब इतने सारे पॉइंटर्स मेरे पास मौजूद हैं, इसमें से शायद मैं आई विल नॉट गो थ्रू दिस, टाइम की शॉर्टेज है, अनाउंसमेंट हो गया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक ऑर्डर आया है, कम्युनिके आया है, तो हमें जल्दी इस तकरीब को ख़त्म करना होगा. So I will not speak a lot, I will not take your time, because our main thrust is on this, in this ceremony, is on the Long Service Award plus the Performance Excellence Award, because of course we have made significant headways in different directions. Main actually aaj subah hi wapas aaya hu, taqriban 12 baje ke kareeb, subah 11:30 baje ke kareeb ek trip karke, और बस इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो ट्रिप ऐसा था कि जिसमें नेम द पर्सन हु वाज़ नॉट देयर एंड ही वाज़ देयर, लॉ मिनिस्टर से लेके सारे अटॉर्नी जनरल्स, मतलब एडिशनल और ये वो, एंड बलूचिस्तान, गवर्नमेंट बलूचिस्तान की बड़ी हैवी रिप्रेजेंटेशन थी. एयर एक्वाटिक प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्वाटिक प्रोजेक्ट हमने साइन तो कर दिया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, लेकिन वो एक टेंटेटिव एग्रीमेंट साइन किया है, अभी हमारे हाथ में नहीं आया है जब तक कि हम उसको डेफिनेटिव एग्रीमेंट उसका ना साइन कर दें, और इसके अंदर कुछ हिकअप्स हैं, इंशाल्लाह ताला वो हम रिजॉल्व कर लेंगे, और उसी पे काम कर रहे थे हम. मेरे साथ राहत थे, एक्चुअली राहत एक्टिंग जनरल मैनेजर फाइनेंस हैं, आई कॉल हिम रादर डिप्टी CFO, ही हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दिस एक्वाटिक प्रोजेक्ट. And well, you know, he makes contribution wherever he is, actually, in whatever department, whatever we have given, whatever assignment that he's been given in the past also, you know, he's a martial art star performer. So, ab sabse pehle to main ye Irfan saab ne kuch arzdasht pesh kiye hain, to main zara unko thoda sa address kar dun ke जहाँ तक एम्प्लॉयज़ के सन की बात है, वो मुझसे अलग से आके यकीनन बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत खुल के नहीं बोल सकता यहाँ पर, लेकिन ये एक बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि सारी दुनिया में ये एक ही मॉडल है कि इंडस्ट्री एक्सपेंड करती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. आप एक पीस ऑफ पाई जैसे कहते हैं, या एक पीस ऑफ रोटी, उसको आप, उसी को आपने डिवाइड करना होता है, उसके साइज़ को बड़ा करना होता है ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करने के लिए. तो हमें हम उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमने ये हमारी डाइवर्सिफिकेशन की जो कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा रेकोडिक का प्रोजेक्ट है, अल्लाह करे, बल्कि एक्चुअली ये जो हमारी विज़िट हुई है इसमें बहुत पॉजिटिव्स हुए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को हमने खासी हद तक उनके कुछ इश्यूज थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुई. वो डायरेक्ट डाउनलोड लेना चाह रहे थे उनसे, बजाय इसके कि हमसे, वो एक एलिमेंट है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वी वर सिक्योराइज्ड. बहुत कहा जाता है कि जनाब बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, कुछ आप रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट इज एन आइडियल एग्जाम्पल वेयर पीपल फ्राम ऑल डिसिप्लिन वर्क इन यूनाइजन, सो मच सो
दैट दी वो जो एस ओ ईज जिनके साथ हम गए हैं, जिनको एस ओ ईज कहा जा रहा है गवर्नमेंट की ज़बान में, हालांकि उसमें से एस ओ ईज नहीं है इन द सेंस, बिकॉज एक तो हम तो हम और ओ जी डी सी एल तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जी एच पी एल 100% ओन्ड है। तो उसमें ये तीन कंपनीज हैं जिसने जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, सारी टेक्निकल इवेल्यूएशन, सारी ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल कमर्शियल इवेल्यूएशन, ये सारी की सारी हमारे ही, बल्कि एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेक अ प्राइड इन दिस कि इसमें हमारी पीपीएल की टीम ने बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया। एक्चुअली 80 to 90% काम पीपीएल ने ही किया है इस तीन कंपनी के कंसोर्शियम में। और उसकी रीज़न ये है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने डिस्पाइट अ लॉट ऑफ, बहुत सारे बड़े अच्छे लोग रिटायर हुए, हमने उनको रिप्लेस भी नहीं किया, बहुत सारी जगहों पर गैप्स क्रिएट हो गए, लेकिन दिन और रात काम किया टीम ने माशाल्लाह। अभी भी हमारे पास ये OGDCL के चेयरमैन ने इसको एक्नॉलेज किया, हमारी एक कंबाइंड बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें कहा कि हम PPL को ख़त लिखेंगे, जो कि अभी तक हमें मिला नहीं है वैसे, बाय द वे राह साहब आपने इसको फॉलो अप करना है वैसे, कि हम लिखेंगे ख़त PPL को कि PPL की कंट्रीब्यूशन की वजह से हम इस लेवल तक आए। ये बहुत बड़ा PPL के लिए अचीवमेंट है। ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, ये प्रोजेक्ट ने कंपनी की लाइफ कम से कम इंशाल्लाह ताला, अगर ये प्रोजेक्ट सिर्फ डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जो कि इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि जितनी मीटिंग्स हमारी हुई हैं उसमें एवरीबडी वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि सारे टॉप के लोग आए हुए थे तो डिसीशन मैंडेट उन लोगों के पास था। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का थोड़ा सा था, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर से और जो इनके यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ वो मुसलसल वीडियो लिंक के ऊपर थे, तो उन्होंने भी वो तकरीबन मैंडेट ऑलमोस्ट ले लिया था। लेकिन अभी स्लाइटली प्रॉब्ली मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते और इसमें मज़ीद लगेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो PPL की लाइफ कम से कम 40 years इससे बढ़ जाती है। और क्योंकि मैं इस पे नहीं जाना चाहता बिल्कुल भी, बिकॉज ये सिर्फ चंद चीज़ा बातें आपसे करूँगा मैं। लोग माशाल्लाह फुली जेल्ड अप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रीज़न उसकी ये है, मैं आपको बताता हूँ, इस कंपनी में बड़ी कोशिश हुई कि उसको शायद डिस्ट्रॉय किया जाए, लेकिन वो जो मल्टीनेशनल DNA हम कैरी कर रहे हैं, मुनसिफ साहब ने जब मुझे हायर किया था 2004 में, तो हमने ये कंपनी 4-5 साल, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी मल्टीनेशनल में ही आ गया हूँ, एक मल्टीनेशनल से निकल के, तो वो आई डिडंट फील एनी डिफरेंस रियली। तो वो मल्टीनेशनल DNA जिसे कहते हैं ना, वो DNA अभी भी हमारे खून में शामिल है और वो हम कैरी कर रहे हैं, और ये वजह है कि हमारे लिए रात और दिन की कोई अहमियत नहीं होती है, हमारी जॉब्स 24/7 होती हैं, हम प्रोडक्शन अपनी एक सेकंड के लिए नहीं रोक सकते, हम ड्रिलिंग अपनी नहीं रोक सकते। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत सारी इंडस्ट्री से यूनिक करती हैं। और एक दूसरा एस्पेक्ट है वो रिस्क का, कि जब हम एक्सप्लोरेशन का कोई वेल ड्रिल करते हैं तो उसकी कामयाबी के इम्कान पाकिस्तान में कहा जाता है कि 3 में से 1 है, जो कि गलत है। ये 3 में से 1 एक ऐसी फिगर है जो कि एवरेज ली गई है पिछले, और उसमें से बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हैं कि जो डिस्कवरीज नहीं हैं। तो और अब सारे लो हैंगिंग फ्रूट निकल चुके हैं, अब हमें एक्सप्लोरेशन फ्रंटियर एरियाज़ की तरफ जाना है जो कि एक्सपेंसिव है, और तो उसके लिए ज़ाहिर है बजट चाहिए, हाई रिस्क एनवायरनमेंट है, बड़ी डिस्कवरीज होने के चांसेस हैं, ऑफशोर बिल्कुल अनटच्ड टेरिटरी है, अनचार्टेड टेरिटरी है, लोगों ने बड़ी डीफोकस्ड उसमें एक्सप्लोरेशन करी है। तो ये तमाम चीज़ें जब हम करेंगे तो अब देखिए ना, अब हम सुई मुनसिफ साहब के दौर में या उससे पहले 1,000 million क्यूबिक फिट से भी ऊपर टच कर लिया था इसने, आज ये तकरीबन 350 million प्रोड्यूस कर रही है। इसका प्रेशर जो कि 1400 PSI था ड्रॉप होकर मेरा ख्याल है प्रॉब्ली 100 PSI के ऊपर आ गया। हमने हर किस्म की रिवैम्पिंग करी है इसके ऊपर, और अभी जो लेटेस्ट रिवैम्पिंग करने जा रहे हैं इससे शायद प्रेशर शायद हम प्रॉब्ली 30 PSI का प्रेशर पे भी हम उसको गैस को 1100 PSI के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्रेशन उसकी SSGC के प्लांट की रिक्वायरमेंट जो है वो 1100 PSI है।
तो फिर सवाल की तरफ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है जब आप की का साइज़ बड़ा होता है पाई का। पाई ये एक मतलब वेस्टर्न टर्म है, इसको मैं इसलिए मैंने आपसे ज़रा वो पिज़्ज़ा की मिसाल ले लें, पिज़्ज़ा सब लोग जानते हैं। तो अगर एक साइज़ का पिज़्ज़ा है और वो उसको 100 लोग खाए में तकसीम किया जाए या 500 लोगों में तकसीम किया जाए, तो आप खुद सोच लें कि क्या होता है। तो आपको उसका साइज़ बढ़ाना पड़ता है। दूसरी बात ढोक सुल्तान की कही थी, यकीनन मैं आज ढोक सुल्तान की डिस्कवरी नहीं प्रोडक्शन स्टार्ट का बोनस शायद अनाउंस कर देता। मेरे पास पिछले 3 दिन से पड़ा हुआ है, मैं टर्की में था और मेरी बहुत तफसीली बात हुई वहाँ पे सारे लोगों से। आपको सिर्फ एक अरज, मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल आपको कोट करता हूँ कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेस लूजिंग होती है मैनेजमेंट की और उन लोगों की जो मैनेजमेंट से भी ऊपर है, यानी कि बोर्ड। देखें ढोक सुल्तान की गौरी ब्लॉक, जिसमें पीपीएल का एक परसेंटेज है जो कि मारी पेट्रोलियम ऑपरेट कर रही, जैसे मॉल भी था अब नहीं है, मॉल का शेयर मारी पेट्रोलियम ले लिया। गौरी ब्लॉक में पहले वेल में गौरी में डिस्कवरी हुई थी और ऑयल 5000 बैरल्स पर डे ऑयल प्रोड्यूस हुआ था उससे, 3-4 दिन का टेस्ट था। पोटवार के एरिया में बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं, मैं आपको टेक्निकल चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन वो ऐसी मुश्किलात हैं कि आप वो बता नहीं सकते कि ये प्रोडक्शन कायम कितने अरसे रह सकती है, सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। तो यकीन माने मारी पेट्रोलियम में इतनी बड़ी जुबिलेशन थी, क्योंकि ज़ाहिर एक नई कंपनी थी और वो चीज़ें मतलब एक्सप्लोरेशन की साइट पर, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने इस डिस्कवरी पे 5 सैलरीज के बोनस अनाउंस किए थे और इसकी प्रोडक्शन 3 महीने के अंदर अंदर 480 बैरल पे आ गई थी। पी गौरी ब्लॉक पे जितना खर्चा हो चुका है वो सारा का सारा जो है वो नेगेटिव ग्रोथ की तरफ चला गया है, यानी कि आपने अच्छा उसके ऊपर मज़े की बात यह है कि मॉल पेट्रोलियम ने भी जो कि पार्टनर है उन्होंने भी अपने लोगों को बोनस दिया, मगर पीपीएल बीइंग अ कंपनी हम ऑपरेट मुझे साहब आसिम साहब को पता है कि हम पोटवार में पीओएल के साथ ऑपरेट करते रहे सिंस 1950, बल्कि पीपीएल के बनने से भी पहले जब बर्मा ऑयल थी, हमने आदि के 1, 2, 3, 4 वेल्स किए थे जो कि अनसक्सेसफुल थे, इतना मुश्किल एरिया है। फिर फ्रैक्चर रिजर्वायर्स हैं, आप कुछ नहीं पता कि कितनी देर प्रोडक्शन आएगी और कितनी दूर। तो मैं आप क्या चाहते हैं कि इस जो इस वेल से प्रोडक्शन शुरू हुई थी हमारी 3000 बैरल पे, जो आज हम जिसको हम आज 1000 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिक्लाइन भी है उसमें और कुछ और इश्यूज़ भी हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि मैं वो बोनस अनाउंस करके फिर आप तमाम लोगों को जब आप बाहर जाएं तो आप लोग भी शर्मिंदा हों और हम भी शर्मिंदा हों और हमारे पास कोई जवाब ना हो? तो प्लीज़ ज़रा बेयर विद मी, इंशाल्लाह ताला मिलेगा। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इसके अंदर बहुत कुछ है। प्रॉब्लम ये हुआ था कि ढोक सुल्तान में आपने तो कह दिया ढोक सुल्तान में मज़ीद हमने 2 वेल्स किए थे जिसमें से एक में से प्रोडक्शन हुई थी, लेकिन 3 दिन बाद वो प्रोडक्शन ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर गेम डिफरेंट है इस रीजन के अंदर, यहाँ पे फ्रैक्चर्स के अंदर पोरोसिटी और परमेबिलिटीज़ हैं जिसके अंदर ऑयल एंड गैस स्टोर होता है और वही निकल कर आता है। तो अब प्लीज़ ज़रा इसको ज़रा इस तनाजुर में देखें। जहाँ तक एम्प्लॉई सन की बात है, आई एम ऑल फॉर इट। मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल शायद कोई इस कंपनी के अंदर ये नहीं, मैं ये क्रेडिट लेता हूँ, आई विल टेक प्राइड इन दिस कि जितना इंडिविजुअल्स के लेवल के ऊपर आई केयर अबाउट दीज पीपल, नॉट एज एन MD, एज ए ह्यूमन बींग। और लेकिन अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हम इस कंपनी को और नीचे लेके चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी प्लानिंग के साथ करनी पड़ती हैं। हमारा कॉर्पोरेट प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, हमारा फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, और ये सारी चीज़ें हम बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के लिए कोई चीज़ की रुकावट। और देखें हमें हमारे सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर बहुत बहुत ही बड़े बड़े गैप्स डिवेलप हो गए हैं, तो उन गैप्स को भी फिल करना है। उन गैप्स आप कहेंगे कि जनाब सीनियर मैनेजमेंट में हायर कर रहा है, नीचे नहीं हायर कर रहा है। देखें जी ये वो पोजीशंस हैं
जहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होती हैं, जहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मटीरियलाइज होती हैं। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तो नीचे कहाँ जाएगा, ट्रिकल डाउन होकर नीचे जाती हैं चीज़ें। ये हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन टॉप डाउन काम करती है तो डेवलपमेंट होती है। नहीं, हाँ 7:25 पे होती है, वैसे आप मुझे बता दीजिए। मगरिब की अजान है तो थोड़ा सा 5 मिनट को वफ़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, तो मोटी मोटी बातें थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए भी, लेकिन ये एक मोटी सॉरी तो एक चीज़ मेरे जहन में आई थी कि वो इन्वायरमेंट ज़रा बड़ा ऐसा हो गया और लोग एक दूसरे के, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। चंद लोग हैं उनको अगर आप मार्जिनलाइज करते हैं तो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे लोगों के लिए एक, मेरा लास्ट ईयर भी मैंने एक शेयर पढ़ा था, अभी भी दो मतलब 3 साल पहले, मैं थोड़ा सा उसको लंबा करना चाह रहा था क्योंकि 2019 के बाद हम अप कर रहे हैं और बीच में हमने कोविड में जो परफॉर्मेंस हमारी थी वो भी हाईलाइट करना चाह रहा था, क्योंकि हमने आउट परफॉर्म किया अपने कंपेटिटर्स को कोविड में, ये हकीकत है, क्योंकि हमने बड़ा स्मार्ट तरीके से उसको हैंडल किया कि जिसकी वजह से प्रॉबेबली हमने हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप करी और लोगों ने काम भी किया। तो वो शेयर कुछ इस तरह है कि जो लोग ये समझ कहते हैं कि ये यूं है और यूं है, वो ज़ाहिर है कि यू नो हर किस्म के लोग होते हैं। तो नासिर काज़मी का एक शेयर है कि भाई दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोचेंगे कि भाई मतलब यार ये क्यों हो रहा है, वो शायद आपके अंदर खुद है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम इस रिकॉर्डिंग पे और ढुक सुल्तान और सारी चीज़ें जो कर रहे हैं हम इतनी तेज़ी के साथ, तो ये काम नहीं कर रहे होते लोग, ये और ये काम दिल से करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक तो ये हो गया, ढुक सुल्तान की हमने प्रोडक्शन शुरू करी, इसमें लेट भी हुआ, काफ़ी देर हुई, काफ़ी तकलीफ हुई अप्रूवल्स के लिए, काफ़ी NOCs और ये सारा कुछ। हमें अनफॉर्चुनेटली बींग ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, हम वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते जो कि प्राइवेट कंपनी करती हैं, और इसलिए हमें देर भी लगती है। हमारा स्पेक का केस भी इसीलिए, जो GPF3 का केस भी इसीलिए फंसा हुआ है। शाह साहब, वैसे आपके लिए इतला के लिए अर्ज़ है कि आपने जो इनिशिएटिव लिया था और वो भेजा था, वो बहुत एक्टिवेट हो गई ये चीज़, और इंशाल्लाह ताला वी विल इंशाल्लाह मेक अ डेंट वेरी सून इन दैट। और वो 40 मिलियन की गैस जो है, सेल्स गैस एडिशनल, क्योंकि उसमें बाकी गवर्नमेंट जो है, और जो ये जो आज जो हमारी जल्दी तकरीर ख़त्म होगी उसके पीछे भी रीज़न वही है, उसके पीछे कोविड की या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, उसके पीछे एनर्जी डेफिशिएंसी की सिचुएशन है। अच्छा, ये तो एक साइड होगी। तो हमने रिसोर्स मैनेज, क्योंकि हमारी कंपनी रिसोर्स कंपनी है, एनर्जी भी है, एनर्जी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, हम पाइपलाइन प्रोजेक्ट से हमारी एक टीम काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर में भी हमें कामयाबी होगी, हम ISGSC के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उसमें, हम रिफाइनरी के डायरेक्शन के अंदर भी हमारी काफ़ी हद तक हमारी हेडवेज हुई हैं उसके अंदर। एक अगर हमारा कंदकोट का मसला किसी तरीके से हल हो जाए, मुझे याद है खालिद रहमान साहब के ज़माने में बहुत पुराना चल रहा है कि किसी तरीके से पावर प्लांट लगाने की ज़रूरत, इजाज़त देते हैं, अगर वो हो जाती है ना सर आपके ज़माने में, वो अनफॉर्चुनेटली वो कहते थे नहीं आपको तो ये बिज़नेस ही नहीं है, अब वो खुद भी कहते हैं यार करो, अब इट्स टू लेट नाउ। तो टाइम लगता है सर इन चीज़ों में, लेकिन ये कि स्पेक वाला ये GPF3 वाला मसला अगर हमारा हल हो जाता तो हमारी सारे इक्विपमेंट तैयार पड़े, इंशाल्लाह 7-8 महीने में, अगर हम 24 आवर्स काम करें तो 6-7 महीने में डिलीवर हो जाएगा प्रोजेक्ट। हर चीज़ तैयार है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ दी सपोर्ट फ्रॉम द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग शायद बड़ा उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने आपको आपकी मैनेजमेंट ने, हमारे बोर्ड के लोगों ने, शाह साहब को मैं ख़ास तौर पर बड़ा क्रेडिट दूंगा कि ये मुसलसल उसके पीछे लगे हुए हैं कि मुलाकात करें और ये करें और वो करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम शायद ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं कि अब ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये अली जाफर साहब जनरल मैनेजर लीगल बैठे हुए, ये इनको चैलेंज है कि ये आप इसको इसमें से निकालें। मखदूम अली खान से मेरी मुलाकात हुई थी इस्लाम, वो तो वहाँ टर्की में थे, वो हमारे लॉयर नहीं थे, वो जिनके साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं उनके लॉयर थे वो तो ये है सिलसिला जनाब। तो जनाब ये देखें, ढोक सुल्तान का बोनस भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉय सन्स को भी इसका भी होगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज जॉब की भी मिलेंगी,
और अगर आप ये समझते हैं कि कहीं हम बीच में कोई सीनियर मैनेजमेंट के लोग हायर कर रहे हैं और आपने फिर इस पर एतराज़ करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत गलत किस्म का एतराज़ होगा, इसलिए कि हमारे पास वो गैप्स हैं और वही लोग हैं जो कि वैल्यू ऐड करेंगे। आप लोग भी करते हैं ऐड, लेकिन जो वैल्यू यहाँ से ऐड होती है ना, कि आप मेहनत करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं, फिर उसको मटेरियलाइज करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो कंपनी माशाल्लाह आपकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मैं तो जैसे कहते हैं ना चरागे सहरी वाली बात है, मैं तो पहले ही एक बात एक साल भर पहले ही कह दी थी मैंने, लेकिन हमारे पास लोग ऐसे मौजूद हैं और हमें कुछ और लोग शायद स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन के अंदर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अब स्पेशलिस्ट का ज़माना है। तो ये काम अगर हो जाता है इंशाल्लाह ताला, ये लोग जो कि पुराने हैं और जो बड़े लॉयल हैं कंपनी के साथ, इतने लॉयल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल दिस लॉयल्टी फैक्टर दैट इज़। और ये सर PPL में देखा है, मैंने और भी मल्टीनेशनल में काम किया है, ENI में, इटली में काम किया, UK में काम किया, लासमो के लिए, ह्यूस्टन में काम किया, यूनियन टेक्सास पेट्रोलियम के लिए, ये चीज़ मैंने नहीं देखी जो कि PPL में देखी है मैंने, ये लॉयल्टी का फैक्टर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली मैं तो यू नो आई के मैंने इन्होंने कहा कि मैं 83 से में 10 साल के लिए चला गया था कंपनी से, इस कंपनी ने मुझे स्कॉलरशिप अमेरिका से पढ़वाया था, 1983 की बात है। लेकिन फिर मैं जाहिर है कि आई वेंट फॉर द ग्रीनर पास्चर, उस जवानी का वक्त होता है, आप चाहते हैं यार जल्दी कुछ हो जाए कुछ, लेकिन फिर मैं वापस आया सो दैट आई कुड ऐड वैल्यू व्हिच एवर आई हैव लर्न। तो ये वो चीज़ है जो सारे लोगों में देखता हूँ मैं। तो बस इस पे मैं अपनी तकरीर का अख्ताम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कंपनी बहुत अच्छे हाथों में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सीनियर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। इस दफ़ा हमें माशाल्लाह इस दफ़ा बोर्ड भी हमें ऐसा मिला है जो बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव बोर्ड है, और वो कहते हैं कि यार आप लेकर आएँ, हम अप्रूव करेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह ताला हम विद ऑल दिस सपोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोल डिवीजन, क्योंकि अब सारे के सारे जो हैं वो बड़ी मुश्किलात में आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला दिस इज़ अ टाइम व्हेन वी विल रीप द बेनिफिट्स इंशाल्लाह, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड आई विश दिस कंपनी ऑल द वेरी बेस्ट, एंड फॉर दिस कंपनी टू स्टे एज PPL फॉर ऑल टाइम्स टू कम इंशाल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह, पाकिस्तान पाइंदाबाद।